Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is parity, single parity bit. Single parity bit का जो method है वो हम use करते हैं error detection के लिए. Although ये method जो है बहुत ही simple सा method है और इसको हम बोलते हैं least expensive method. मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा cost in the sense पैसों की बात नहीं है यहाँ पे, cost in the sense अगर हम data को ही ज़्यादा भेजना चाहते हैं, redundant bits को अगर हम कम भेजना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसी application जो कहती हैं कि हम थोड़े बहुत error को bear कर सकती हैं, like audio, अगर हम audio भेज रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी भी problem आ गई, थोड़ी सी भी आवाज में दिक्कत है, अगर वो कह रहे हैं कि हम इसको bear कर सकते हैं, तो इस type की data communication में हम चाहे या तो ना ही use करें. अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम कौन सा लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, वो है सिंगल पैरिटी. क्यों सिंगल पैरिटी में यहां पे हम m प्लस वन फंडा यूज करते हैं. m प्लस वन का मतलब है m इज अ नंबर ऑफ बिट्स, या आप बोल सकते हो m इज अ नंबर ऑफ मैसेज बिट्स. मतलब जो मैसेज आप भेज रहे हो उसकी कितनी बिट्स है, m, और उसमें आपने सिर्फ एक बिट ऐड की है, सिर्फ एक बिट. अगर हम बात करें डबल पैरिटी या सीआरसी या चेकसम की, उसमें हम नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा भेजते हैं मैसेज के साथ, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स ज्यादा भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट जो है वो कम भेज रहे हैं. इसकी वजह से ये कॉस्टली ज्यादा नहीं है, लीस्ट एक्सपेंसिव है और बहुत ही सिंपल सा मेथड है. यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी. तो सिंगल बिट है तो सिंगल बिट में हम यूज करते हैं इवन पैरिटी, ज्यादातर यूज होती है. इवन पैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन. मतलब आपके डेटा वर्ड में नंबर ऑफ वंस जो है वो कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए. ऑल्दो आप ऑड पैरिटी भी यूज कर सकते हो. ऑड पैरिटी का मतलब नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड. लेट्स से कि अगर मैं डेटा भेज रहा हूं 1010. जनरली हम डेटा को, जो डेटा वर्ड्स हम भेज रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वेरिएबल लेंथ, हम जब डेटा भेज रहे हैं तो अगर हम सेम लेंथ का डेटा भेज रहे हैं तो सेम लेंथ का मतलब है हम जनरली 2 raised to power में. लेट्स से 4 बिट का एक डेटा वर्ड है, 8 बिट का या 16 बिट का या 32 बिट का या 64, तो हम जनरली ट्राई करते हैं 2 raised to power में भेजने की, बिकॉज बाइनरी बिट है. क्योंकि हम डेटा कम्युनिकेशन क्या बात करें, 0 और 1 की फॉर्म में, तो 0 और 1 की फॉर्म में अगर हम बात करें तो बाइनरी बिट का बेस क्या होता है, 2. तो इसीलिए हम 2 raised to power को ज्यादा यूज करते हैं. सो 1010 अगर हमारे पास डेटा है तो 101 में आप नंबर ऑफ वंस काउंट करो, कितने हैं, 2. तो यहां पे इवन पैरिटी में हम कौन सी बिट ऐड करेंगे, 0. रीजन, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे नंबर ऑफ वंस इवन है, तो आपकी जो रिडंडेंट बिट, जो एक्स्ट्रा बिट आप भेज रहे हो, ये एक बिट एक्स्ट्रा भेज रहे हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0. अगर आप भेज रहे हो डेटा, लेट्स से 1110, ये डेटा अगर आप भेज रहे हो तो आप काउंट कर लो नंबर ऑफ वंस, 1 2 3, 3 है. तो जो एक्स्ट्रा बिट आपको भेजनी है वो क्या भेज दो, 1. क्यों, क्योंकि पूरे कोड वर्ड में ये है आपका डेटा और जब आपने 1 ऐड कर दिया ये बन गया एक तरह से वैलिड कोड वर्ड. तो इस कोड वर्ड में पूरा का पूरा नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, अब 4. तो दिस इज कॉल्ड द इवन पैरिटी. अब यहां पे इट कैन डिटेक्ट ऑल द सिंगल बिट एरर्स इन द कोड वर्ड. मतलब अगर मैं ये डेटा भेज रहा हूं, लेट्स से 1 1 1 1 1 1 0 1 डेटा अगर मैं भेज रहा हूं, तो इस डेटा के अंदर रास्ते में अगर ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, मैंने जैसा कि पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है डिटेक्शन की, या क्यों एक्चुअली एरर अक्कर होता है, तो ड्यू टू एनी नॉइज, ड्यू टू एनी नेचुरल इफेक्ट लाइक लाइटनिंग है, थंडरबोल्ट, तो उसकी वजह से अगर कोई भी एक बिट चेंज होती है, कोई भी एक बिट, लेट्स से अगर मैं फर्स्ट बिट को चेंज करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 0 1 1 0 1. तो रिसीवर देख लेगा, ओके नंबर ऑफ वन शुड बी, ये वाली जो कोड वर्ड है, ये वाला कोड वर्ड, नंबर ऑफ वंस कितने हैं डेटा के अंदर, 2. तो नंबर ऑफ वंस अगर डेटा के अंदर 2 है तो पैरिटी क्या होनी चाहिए, 0. लेकिन पैरिटी कितनी है, 1. तो इससे वो समझ जाएगा क्या, कि इसके अंदर कोई ना कोई चेंज हुआ है, मतलब डेटा के अंदर कोई ना कोई चेंज अक्कर हुआ है, तो इससे वो डिटेक्ट कर पाएगा कि यस देयर इज सम काइंड ऑफ एरर. लेकिन किस लोकेशन में चेंज हुआ है ये नहीं पता लगेगा, मतलब डिटेक्ट कर सकता है लेकिन करेक्ट नहीं कर सकता. इसके साथ साथ अगर हम डबल बिट में चेंज करें, लेट से 1111 अगर मैं ये डेटा भेज रहा हूं और रिसीवर के पास पहुंच रहा है ये 00101, मतलब दो बिट, पहली दो बिट हमने चेंज कर दी, कोई भी दो बिट चेंज कर दो, लेट से पहली दो बिट अगर चेंज की तो उसके पास क्या रिसीव हुआ, 00101.
मतलब ये तो पैरिटी है, लास्ट वाली तो पैरिटी है, तो इसने पहले डेटा वर्ड में चेक किया 0010 कितने वन है, एक है, सिंगल वन है, तो यानी पैरिटी में क्या होना चाहिए, वन, और देखो पैरिटी में क्या है, वन है, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, टू, यानी इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी है, तो रिसीवर को लगेगा कि सेंडर ने यही डेटा भेजा है, लेकिन सेंडर ने भेजा क्या था, 11101, तो यहां पे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो यानी ये क्या डिटेक्ट कर सकता है, सिंगल बिट, इसके साथ साथ ये बाकी के सारे डिटेक्ट कर सकता है एरर, अगर नंबर ऑफ बिट्स कितनी चेंज हो रही है, ओड, मतलब अगर एक बिट चेंज हो रही है या तीन या पांच या सात, अगर इस टाइप की बिट, इन नंबर की बिट अगर चेंज हो रही है तो फिर ये डिटेक्ट कर पाएगा। लेट्स से अगर तीन बिट्स को मैं चेंज करूं, पहली तीन को ये अगर चेंज कर दे, लाइक भेज रहा हूं मैं 11101, दिस इज द पैरिटी बिट, और रिसीवर के पास पहुंची 00001, मतलब मैंने पहली तीन बिट को चेंज कर दिया, अब कोई भी तीन बिट को चेंज कर लो, तो यहां पर अगर मैं ये चेंज कर देता हूं तो रिसीवर जब काउंट करेगा वो देखेगा कि नंबर ऑफ वंस इन द डेटा वर्ड कितने हैं, जीरो, तो यानी पैरिटी क्या होनी चाहिए, जीरो, लेकिन पैरिटी क्या है, वन, तो इससे वो समझ जाएगा कि कोई ना कोई एरर अकर हुआ है। तो ये सारे के सारे एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है अगर एरर्स का नंबर क्या है, ओड नंबर ऑफ एरर्स, मतलब लेंथ कितनी है उसकी, ओड है। तो दिस इज द मेन मेजर पॉइंट रिलेटेड टू द सिंगल बिट पैरिटी। एक इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैंने और ऐड किया है यहाँ पे, ये कई बार क्वेश्चन हमें बहुत स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज्यादा तंग करता है, हैमिंग डिस्टेंस का फंडा है। हैमिंग डिस्टेंस का यहाँ पे फंडा मैं लेके आया हूँ। हैमिंग डिस्टेंस का मतलब है अगर आपको ये डेटा वर्ड भेजे हैं, लेट्स से 4 बिट डेटा वर्ड है, 0000 से लेके 1111 तक, ये मेरे पास सारी स्ट्रिंग्स बन गई, सारी पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी, और यहां पे मैंने रेड कलर में इनकी पैरिटी भी काउंट कर ली, इवन पैरिटी काउंट कर ली, लेट्स से 0001 कितने वन है, एक, तो मैंने एक और वन लगा दिया, इवन बन गया। तो यहां पे अगर आप सारे कोड वर्ड में देखो, ये बन गया सारा वैलिड कोड वर्ड, दिस इज व्हाट, कोड वर्ड। तो ये पूरे कोड वर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें पैरिटी ऑलरेडी लगी हुई है। तो यहां पर अगर हम बात करें हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में हैमिंग डिस्टेंस होता है, हैमिंग डिस्टेंस इज व्हाट, एक्सोर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है किसी भी दो कोडवर्ड में, लेट्स से 00001111, कोई भी दो वैल्यूज ले लो, उनके अंदर जब आप एक्सोर परफॉर्म करोगे, एक्सोर मतलब सेम वैल्यूज में क्या होना चाहिए, जीरो, और डिफरेंट वैल्यू में वन, तो डिफरेंट वैल्यू में वन आएगा, तो ये चार वैल्यूज यहां पे आ गई, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना है, चार। लेट्स से कि अगर मैं बात करूं 0101 और हमारे पास डेटा है 10, लेट्स से 00, अगर ये मेरे पास इसका मुझे हैमिंग डिस्टेंस निकालना है, इन दो कोड वर्ड्स का हैमिंग डिस्टेंस, तो क्या आएगा, एक्सोर लगाया 1101, तो कितना हैमिंग डिस्टेंस है, नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो, नंबर ऑफ वंस कितने आए यहां पे, तीन, तो हैमिंग डिस्टेंस यहां पे आया आपका तीन। तो इस पूरे कोड वर्ड, ये सारी स्ट्रिंग्स के अंदर अगर आप चेक करो हैमिंग डिस्टेंस, किसी में दो आएगा, किसी में तीन भी आएगा, लेकिन मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना आएगा ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको काउंट करना है। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आएगा इस केस में टू, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, लेट से ये देखो 00000 और यहां पे है 11110, तो इनमें हैमिंग डिस्टेंस क्या है, इसमें और इसमें चार का है। ऐसे अगर आप किसी और में, लेट से इन दोनों में अगर काउंट करो तो दो का है, अगर आप ये सारा चेक करो तो आपको पता लगेगा हैमिंग डिस्टेंस कितना है, दो, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है टू। तो हैमिंग डिस्टेंस का यहां पे फंडा है कि अगर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है डी, तो ये डी माइनस वन बिट्स को डिटेक्ट कर सकता है, डी माइनस वन बिट्स के एरर को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब इस केस में अगर आपको बोल दे कि ये डेटा वर्ड्स हम सेंड कर रहे हैं, ये कोड वर्ड हम सेंड कर रहे हैं, तो क्या ये डी माइनस वन बिट को चेक कर सकता है एरर्स को? ये देखो डी माइनस वन का मतलब यहां पर क्या आया, वन, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है टू, तो डी माइनस वन मतलब वन। ये दो बिट की एरर को क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकता, व्हाई इट कांट डिटेक्ट द डी नंबर ऑफ एरर्स? रीजन इज सी, अगर मैं 00000 को लेके चलता हूं,
डी का मतलब है आप कोई भी दो बिट को चेंज कर दो, कोई भी दो बिट को अगर मैं चेंज करता हूं, लेट्स से मैं पहली दो बिट को चेंज करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 11000, और देखो 11000 ऑलरेडी डेटा में है तो रिसीवर को पता ही नहीं लगेगा इस केस में कि 11000 तो एक वैलिड कोड वर्ड है। तो अगर आप किसी भी दो बिट में चेंज करते हो तो इन्हीं वैलिड कोड वर्ड्स के अंदर से वो वैल्यू आ जाएगी, तो इससे रिसीवर को पता ही नहीं लगेगा कि यार इसके अंदर कोई एरर अक्कर हुई है या नहीं हुई। लेकिन अगर आप कोई भी एक बिट को चेंज करते हो, लेट्स से अगर मैं पहले केस में सिर्फ एक बिट को चेंज करता हूं, लेट्स से पहली बिट को चेंज किया तो क्या बन गया 10000, देखो पूरे वैलिड कोड वर्ड में कहीं पे 10000 है, कहीं पे भी 10000 कहीं पे भी नहीं है, तो इससे रिसीवर को पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई एरर है क्योंकि ये वाला डेटा किसी भी कोड वर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि अगर ये मेरे पास कोड वर्ड्स हैं तो आप बताओ कि हैमिंग डिस्टेंस इतना हो, मतलब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालो, या कितनी बिट्स के एरर को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकाल लो, जो भी वैल्यू आई लेट्स से डी आई तो ये डी माइनस वन की एरर्स को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द दिस वीडियो जो कई बार स्टूडेंट्स को परेशान करता है कि हैमिंग डिस्टेंस से हम कैसे निकालते हैं कि कितनी बिट्स को वो डिटेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए ये मैं वीडियो के अंदर ही लेके आया हूं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई बिकॉज सिंगल बिट पैरिटी तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपको ओवरऑल ये बहुत हेल्पफुल करेगा यूजीसी नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।